और अब खबर श्री करणपुर से है, जहां पर कस्बे की गलियों में बारिश के पानी के भरने की वजह से जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसको लेकर के पालिका के उपाध्यक्ष अशोक गरुड़ा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें पालिका अध्यक्ष और ग्रामीण सभी पार्षदों से सामूहिक इस्तीफे की अपील कर रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं श्री करणपुर के वार्ड नंबर 17 में, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बरसात के जो चार दिनों की जो भारी बरसात हुई है, उसके कारण से जल भराव की स्थिति इतनी भयंकर हो चुकी है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है और लोग इस नासूर भरी ज़िंदगी से बिल्कुल परेशान हैं। कई लोगों ने तो यहाँ से पलायन भी कर लिया है, दूसरे स्थान पर जो देके अपने किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। वार्डवासी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं इस जल भराव की स्थिति से। करणपुर के लगभग 5 या 6 वार्ड इस जल भराव की स्थिति से परेशान हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे नगर पालिका ने अपने साधन भी लगा रखे हैं, कर्मचारी भी लगे हुए हैं और निरंतर बरसाती पानी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बरसात के ओवर फ्लो और पानी के ठहराव के कारण कस्बावासी खासा परेशान है। इसको लेकर तरह तरह की राजनीति भी गरमाई हुई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच तनातनी का दौर है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का लगा रहे हैं कि ये काम है वो भाजपा राज में हुआ था। जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो ये कार्य है या ये जल भराव की स्थिति है, इसका पूरा एक एजेंडा तैयार करके इसको अभी जब कार्यकाल था सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर का, कांग्रेस राज में भी इसका प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। लगभग 6 वार्डों में बरसाती पानी इस कदर पसरा है कि आप देख सकते हैं कि इस पानी की समस्या से सभी जो वासी हैं उनको दो चार होना पड़ रहा है। इस समय हम वार्ड नंबर 17 के नेहरू पार्क में खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कई दिनों से बच्चे और अभिभावक इस पार्क में आने से वंचित हैं। इसमें पानी इस कदर भरा है कि इसमें मच्छर पैदा हो चुके हैं और बीमारियों का निमंत्रण दे रहे हैं। आने वाले जो समय है वो क्या गुण खिलाएगा, यह तो गर्भ में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि श्री करणपुर का जो प्रशासन है वो कतई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि वार्डवासी इनसे किस प्रकार से निपटेंगे या बीमारियों से कभी भी किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इतनी वो जहमत नहीं उठाई कि इनका निरीक्षण कर इसका समाधान किया जाए। पानी की समस्या से रोजाना दो चार होते हैं, आप रोजाना यहाँ से गुजरते हैं, तो क्या परेशानी आती है? सारी परेशानी या कोई दिक्कत ही है सारी, बच्चे अपने घरों तक कैसे पहुँचते हैं, कुछ तो कैरी कैसे उतार देने मोटरसाइकिल के लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या नाम आपका? हरभजन सिंह, जो ये ट्रेन के चालक हैं, इनका कहना है कि हम एक जगह पर बच्चों को उतार देते हैं और वहाँ से जो बच्चों को जो अभिभावक है वो मोटरसाइकिलों की सहायता से या अन्य संसाधनों से घर तक लेके जाते हैं।